प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से सख्त है। आज से दिल्ली सरकार चलाएगी एंटी डस्ट। सरकार ऐसे में 13 विभागों की 523 टीमों का तैनात किया गया है। 24 घंटे निर्माण की गतिविधियों पर निगरानी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, वो भी तब जब हम देखते हैं कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है और ये सब कुछ होता है पराली जलाने की वजह से। अब ऐसे में नजर रखी जाएगी कि कहीं पर अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जो गाइडलाइंस जारी की गई है क्या उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। तो आप देखिए किस तरीके से दिल्ली में बढ़ने वाले प्रदूषण में तीन मुख्य फैक्टर हैं। पहला व्हीकल, उसके बाद अगर हम देखें कि जिससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है उसका आप ये कह लीजिए कि एक मेन जो रीज़न होता है डस्ट पोल्यूशन भी होता है, व्हीकल पोल्यूशन भी होता है, और साथ ही साथ तीसरा है बायोमास पोल्यूशन, और इसको रोकना सरकार की यहाँ पर प्राथमिकता होगी। लेकिन अगर हम बात करें ग्रीन वॉर रूम से 7 लेवल पर मॉनिटरिंग की जाएगी। अब कैसे, जरा ये भी आप समझिए, ड्रोन मैपिंग की निगरानी होगी, रियल टाइम सोर्स एब्सोर्समेंट स्टडी होगी, इसके अलावा पराली जलाने और खुले में कचरा जलाने से संबंधित नासा सैटेलाइट डेटा भी होगा जिसको देखा जाएगा। इसके अलावा ग्रीन ऐप पर जो शिकायतें आएंगी उनका निवारण किया जाएगा। एक महीने तक ये एंटी डस्ट कैंपेन चलेगा, जो इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 13 विभागों की 523 टीमें तैनात होंगी जो नजर रखेंगी। इसके अलावा टीमें कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों पर भी पूरी तरीके से नजर रखेगी, और साथ ही देखा जाएगा कि कहीं पर कोई जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। 7 नवंबर तक ये कैंपेन चलेगा। तो देखिए किस तरीके से प्रदूषण से निपटने का एक्शन प्लान पूरी तरीके से तैयार किया गया है।